खबर पटियाला तो आ रही है। पटियाला रंजीत होटल विच आम आदमी पार्टी वालों डॉक्टर बलवीर वालों JPS कालरा जी नाल ही होर भी 100 तो वध मैंबरां ने ज्वाइनिंग की। नाल ही JPS कालरा वालों डॉक्टर बलवीर सिंह जी नूं आश्वासन दिता गया कि उन्हां वालों आम आदमी पार्टी नूं वध तो वध सहयोग दिता जाएगा, जो कि 4 तो वध सोसायटियां दे प्रधान ने ते जिन्हां नाल कि आम जनता हजारां तो वध जुड़ियां होईयां ने। पटियाला तो रिपोर्टर अजय कुमार दी खास रिपोर्ट। देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी और नशे की समस्या बहुत है यूथ में, और जो एक भावनात्मक मुद्दा है और लोग बहुत सारे हार्ट हैं वो है जो बेअदबियाँ होती हैं, जब भी इलेक्शन आती है बेअदबियाँ होती हैं और बम धमाके होते हैं। और पटियाले की समस्या को तो पूछो मत, शहरी विकास मंत्री के पूरे इलाके में कहीं कोई विकास नहीं है, ना तो कहीं कोई सड़क है और ना ही कोई सीवरेज काम कर रहा है, ना लोगों को पानी मिल रहा है। अब दवाई तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है कि ना किसी गांव में और ना ही किसी मोहल्ले में। बच्चों के स्कूल बिल्कुल खस्ता हालत में है, तो लोग तो बहुत मतलब त्राहित हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन पर दिन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या कहेंगे? देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए शिक्षा और सेहत ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब ये टीचर्स हैं वो तो बेचारे टैंकियों के ऊपर बैठे हैं, और यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने वो 6 महीने अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए बैठे रहे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। उन्होंने टेस्ट पास किया, इंटरव्यू दिया, सारा प्रोसेस कम्प्लीट किया, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। और यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें सारे टीचर्स धरने पर, क्योंकि वो 400 करोड़ के कर्जे में, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और मेडिकल कॉलेज मेडिकल टीचर्स का इससे भी बुरी हालत है। हॉस्पिटलों में कोरोना आता है और जो शिक्षा का मंदिर है स्कूल है उनमें कोरोना आता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। और जो कांग्रेस की रैली है उसमें भी कोरोना नहीं है, अकाली की रैली में भी नहीं है, और जो लोग कांग्रेस उसमें भी नहीं है। सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें कोरोना फैलता है। पहले किसानों के आंदोलन में फैलता था, अब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ये हमें टारगेट करने के लिए। तो कोरोना का जो है, इन्होंने पहले जब जो करना था वो तो किया नहीं। कोरोना के लिए जो कुछ करना चाहिए था ना, अभी वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, तो बातें करते हैं लोगों के लिए। 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ, ਜੋ ਯੂਥ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੰਡੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗੀ, ਪੂਰਾ ਯੂਥ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। और पहले जो यूथ था ना वो माँ बाप के कहने पे वोट डालता था, इस बार जो माँ बाप है वो यूथ के कहने पे वोट डाल रहे हैं। तो इस बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। और ये जो जैसे उन्होंने एक मजाक बना रखा है, जो परिवारवाद है, ब्रह्म इंदिरा का बेटा और कैप्टन उसकी बेटी आगे प्रचार करती फिरती है, और बादल का बेटा, ये परिवारवाद पूरे पंजाब में ख़त्म हो जाएगा। और सभी जितने भी मंत्री हैं, और देखो राणा गुरजीत और बहुत सारे मंत्री अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये परिवारवाद बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगा और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इस बार। छोटे एंगेज्ड जो कि मोहित मिंद्रा जी कह लन, बिट्टू शर्मा जी कह लन, वो एंगेज्ड खड़े हैं, तुम उन्होंने किस तरह देखते हो? कोई चैलेंज नहीं है जी। ब्रह्म इंद्रे का रेपूटेशन बहुत माड़ा, वो 5 साल लोगों से गया नहीं, कोई काम नहीं किया उन्हें। और पटियाले वो जिहड़ा शहरी विकास मंत्री है, वो शहर के कोई विकास नहीं होया, मतलब स्कूल डिस्पेंसरी हस्पताल तो दूर की गल है, सड़कों तक नहीं बनिया, वो हुण बना रहे, जो सड़क पट के सुटिया हुई, त्रिपड़े च पिछले महीने बनाई सगिया, महीने बाद टुट गई, लोग मैं बनाते और झाड़ू ना कट्ठिया करके दिखाते हैं। सो उन्होंने जिन्ना भ्रिष्टाचार किया ब्रह्म इंद्रा जी ने और संजीव बिट्टू जी ने, लोग उन्होंने सज़ा देने लिए तैयार बैठे आ। और जोड़ा बेअदबी के मसले भी हो रहे, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में इन्हों के नाल, क्योंकि जो ये कहें भी पागलपन के दौरे लोगों को उदों ही पैदा जो वोटा आदि, ये पिछले डूंगी साजिश है और जी राजनीतिक षड्यंत्र है। ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸੰਤਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾ ਬੇਟੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੋ ਦਿਓ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਕੋ बहुत अच्छा रंगला पंजाब बना देंगे, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा भी होगी, नौजवानों के लिए रोज़गार होगा, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी सेहत सहूलतें होगी, और बिजली, पानी, सड़क, ये सबको मिलेगा।
ਕੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, DLF ਕਲੋਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ।